लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जयपुर ग्रामीण लोकसभा में 19 अप्रैल को 21,84,978 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 11,45,437 पुरुष, 10,39,533 महिला मतदाताओं के साथ साथ 8 थर्ड जेंडर मतदाता भी शामिल हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती नीलिमा तक्षक ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची को अंतिम रूप दिया जा चुका है, जिसके बाद जयपुर शहर लोकसभा में आगामी 19 अप्रैल को 22,87,350 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 11,90,851 पुरुष, 10,96,417 महिला मतदाताओं के साथ साथ 82 थर्ड जेंडर मतदाता भी शामिल है। उन्होंने बताया कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए 2008 मतदान केंद्र और 120 सहायक मतदान केंद्रों की स्थापना की गई है। वहीं जयपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 1842 मतदान केंद्रों और 243 सहायक मतदान केंद्रों की स्थापना की गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि दौसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बस्ती विधानसभा क्षेत्र में 252 मतदान केंद्र बनाए गए, जिसमें 2,35,653 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। दौसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चाकसू में 234 मतदान केंद्रों के साथ साथ 7 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 2,32,685 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सीकर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 227 मतदान केंद्र और 6 सहायक मतदान केंद्रों की स्थापना की गई है, जिसमें 2,54,184 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।